Hello guys, my name is Om Mishra and I cleared NEET 2021 with 639 marks, जिसमें से bio में मेरे full थे 361-316. And this video is specifically for all the bio student, जो भी bio में subject में अपना 361-360 लाना चाहते हैं, उनके लिए video है. तो आज मैं कुछ ऐसे approaches, ऐसे tricks, ऐसी छोटी मोटी advices देने वाला हूँ, जो शायद आपको boost up कर सकते हैं कि आप अपने NEET में या upcoming mock test में आप अपने 360 ला सकते हैं. 90% लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होता भी है एंड 50% वेटेज भी होता है, तो उसमें एटलीस्ट 340, 350, 360 स्कोर करना मस्ट है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन. एंड मेरे 360 आए थे तो मुझे एकदम अच्छे से पता है कि कैसे एक बायो में अप्रोच होनी चाहिए ताकि लोगों की 360 आए. सो स्टार्टिंग विद, आपका पेपर NCERT से ही आने वाला है, चाहे AIPMTs भी होते थे वो भी NCERT से ही आते थे, वो अलग बात है. पुराने AIPMTs में पुरानी NCERT फॉलो होती थी, इसलिए वहाँ पे आप हमें लगता है कि वो आउट ऑफ था, पर उस समय भी NCERT से ही पेपर आता था. और अगर आप लास्ट दो साल का देखें, 2020 में और इस साल 2021 में, 90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सिर्फ NCERT से आते, एक क्वेश्चन भी नहीं आया था आउट ऑफ NCERT. जो आते भी हैं आउट ऑफ NCERT, वो NCERT के ही रहते हैं, पर हाँ वो टफ क्वेश्चन होते हैं. NCERT भी एक बहुत इजी बुक नहीं होती कि आप दो तीन बार गो थ्रू किया आप मास्टर हो जाओगे उसमें. उसमें भी आपको बहुत रीडिंग्स, बहुत मॉक टेस्ट, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्या पाएंगे. तो पहले अपने माइंडसेट को यही रख के जाना कि हमें NCERT सिर्फ ही पढ़नी है और हमारा पेपर NCERT से ही बन के आना है. अब NCERT पढ़ने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है? अगर जो आप 22 के एस्पिरेंट है तो आपके लेक्चर्स तो ऑब्वियसली ख़त्म हो गए होंगे, अब आपका रिवीजन टाइम या सब रिवाइज करोगे या वापस मॉक टेस्ट चालू हो रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ी अलग एडवाइस है. लेकिन जो इनका भी 11th स्टैंडर्ड में है, आप प्लीज़ कोई भी चैप्टर चालू हो रहा है उससे पहले एक बार आप NCERT पढ़िए. बोरियत लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो भी आप पढ़िए, और उसके बाद जब वो लेक्चर हो जाए तो वापस NCERT पढ़िए. और ये वो बाकी बच्चों के लिए भी है जो शायद अभी क्रैश कोर्स पे सिर्फ डिपेंड है कि हम अभी से वापस चालू करेंगे. तो प्लीज़ एक बार आप NCERT पढ़िए, वापस लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और फिर NCERT पढ़िए. आपको एक क्लियरेंस आएगी कि आपको कैसे NCERT में आप शायद 60% समझ गए होंगे, दो तीन बार और पढ़िए शायद 70% समझ गए होंगे. ऐसे ही आप फिर मॉक टेस्ट देंगे और नीट के कुछ टाइम तक आप इतनी बार NCERT पढ़ लीजिए ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने NCERT की एक लाइन पढ़ ली है. क्योंकि चाहे लोग कुछ भी कह ले, टॉपर्स कुछ भी कह ले, मुझे पता है मैंने 360 लाया यही दो बुक से पढ़ के लाया, इनके बाहर मैं कभी नहीं गया. स्पेशली वो बच्चे जो थोड़ा ओवर एडवांस बनने के लिए ट्रूमैन, अरिहंत या पता नहीं कौन कौन से एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, लोगों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, पेपर पूरा NCERT आने वाला है. अब इन दो NCERT में मास्टर कैसे करना है मैं पहले वो बताता हूँ. NCERT को समझो, लेक्चर्स हुए, NCERT पढ़े, NCERT की एक लाइन पढ़ो, अंडरलाइन या हाईलाइट करो, जो भी लाइन में भी डाउट आ रहा है ना वो अपने टीचर से या गूगल पे फाइंड करो. पर हाँ, उनके स्कूल टीचर है, कोचिंग टीचर हो, कोई भी हो, NCERT सबको आती, दसों साल से पढ़ा रहे हैं सब लोग. तो एक एक लाइन को जब तक आप समझ नहीं जाते ना, आप अपने टीचर से पूछें ताकि आप एक पेज पूरा पढ़ें, आपको हर चीज़ की क्लियरेंस हो. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप अपनी NCERT को खुद ईजी बना सकते हैं. मैंने बनाई है, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें बहुत डायरेक्टली लिखती हैं NCERT. फॉर एग्जाम्पल, आप ये पैरा अगर आप देख सकते हो तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट जैसा दिया हुआ है, पर उन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट पैरा लिख दिया. पर मैंने यहाँ नीचे बना के रखा है कि सीमेनिफेरस ट्रिब्यून, रीटे टेस्टिस आता है, फिर वासा डिफरेंशिया आता है, फिर एपिडिडमाइसिस आता है, फिर वासा डिफरेंशिया आता है, एंड देन लूप्स फॉर द यूरिनरी ब्लैडर. एक एक छोटी छोटी चीज़ आप NCERT लिखो. आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रैंकिंग भी कर दी है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ताकि आप डायग्राम भी पढ़ो ना, लेबलिंग भी आए, या आपका फ्लो चार्ट के फॉर्म में आए, आप दोनों कर सको. ओके, एंड ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं, तो आप प्लीज़ दो टेस्टिस का भी कैलकुलेट करके रखो. मे भी इस साल क्वेश्चन आ जाए कि बोथ द टेस्टिस में टोटल लोब्यूल्स कितने होते हैं, लोग 250 टिक करके आ जाएंगे, पर NCERT ने स्पेसिफाई मेंशन किया है कि एक टेस्टिस में 250 होता है, दो टेस्टिस का मिला तो 500. ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलते हैं. फिर आप जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है, आप सभी जानते होंगे, जैसे NCERT के कीवर्ड्स होते हैं, आजकल पेपर में डायरेक्ट कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो जैसे NCERT ने इस्थेशमस के बारे में नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट्स द यूट्रस, तो मैंने प्लस का साइन लगा के दो कीवर्ड्स जो यहाँ पे थे वो बार बार पैराग्राफ के फॉर्म में रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ऐसे मैंने इस डायग्राम में जितना मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं मैंने छोड़ा है. एंड तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कैसे छोटे मोटे फ्लो चार्ट बनाएं ताकि आपके लिए ईजी रहे. अगेन एक बहुत टफ चीज़ आती है, ये मेमोरी ग्लैंड, ये वाला जो पार्ट है, ये लोग एज इट इज़ जितनी बार भी पढ़ लें, ये सीक्वेंस पैराग्राफ रीड करने से आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा. जैसे मैंने बनाया है कि पहले आता है आपका मेमोरी लोब्स,
फिर एल्वियोलाई, फिर ट्यूब्यूल्स, फिर डक्ट, फिर लैक्टिसिफेरस डक्ट, फिर एम्प्यूला, ये फिर एम्प्यूला, फिर लैक्टिसिफेरस डक्ट, ये आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। आप ये पैराग्राफ जितनी बार भी रीड कर लोगे आपको ये सीक्वेंस नहीं याद हो जाने वाला, क्योंकि टर्म्स एक जैसे हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। और आपको पता, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो कितना कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो अपनी एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें हाइलाइटर्स थोड़े यूज़ करो, या ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, स्टिकी नोट्स का यूज़ करो। तो ये एक अप्रोच हो सकता है, जो आप अभी भी नहीं किए हो तो प्लीज़ करो। सबसे पहले एनसीईआरटी को समझो, प्रोसेस दिया हुआ है समझो। क्रैप साइकिल अगर एनसीईआरटी में दिया है, जितना दिया एज इट इज़ आप रट लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप याद करो 2020 में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन वन साइकिल ऑफ क्रैप। तो अगर आपको एक एक टर्म का मतलब पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं रट के गया था 2020 में, मेरे सिर्फ 280 आए थे बायो में। ऑब्वियसली जनरल के लिए 280 बायो में मतलब एक बहुत आप रेस से पीछे हो। तो आप प्लीज़ प्रोसेस को समझ लीजिए। जैसे ग्लाइकोलिसिस से पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस समझिए, फिर एनसीईआरटी के ये सब चीज़ों पे आइए कि आपको एनसीईआरटी को लर्न भी करना है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा समरी के लिए, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत लोग समरी को रिजेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको समरी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के बता सकता हूँ कि शायद 90 क्वेश्चंस बन जाए पूरे नीट पेपर के, और मैं कह सकता हूँ 50% पब्लिक नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात बताऊँ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पे पार्चुएशन में तीन हार्मोन का इंपॉर्टेंस दिया गया है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो यहाँ मेन कंटेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन अबाउट कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन वो वहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे छोटे जैसे मैं आपको, तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का दूसरा नाम पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता, आपको आईना दिखा रहा हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, दूसरा नाम दिया हुआ है बीट वॉल्यूम। ये आप किस साल के एनसीईआरटी में आ सकते हैं, आपको नहीं पता होगा, आप कहोगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, एक प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन था। मैं आपको बताना चाहूँगा फिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस होता है, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव। हम सबको पता है फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव होता है, किस टर्म में, मतलब वो साइज़ की बेस पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, वो सिलेक्ट नहीं करता मुझे इसको लेना है इसको नहीं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो समरी में दी गई हैं। अगेन आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज में भी आपको अच्छे खासे मैच द कॉलम मिल जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेंगे जिनका आंसर शायद डायरेक्टली टेक्स्ट में आप ना मिले। तो टीचर्स की आप मदद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आप जैसे मॉर्फोलॉजी में भी आपको बहुत टफ होता होगा, एग्जाम्पल्स उसमें भर भर के हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, निमोनिक्स याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ अपने एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे अगर आपको ये वायरॉइड्स और प्राइन वाला चैप्टर बताया, हर साल इससे क्वेश्चन आना पक्का ही है। तो मैंने यहाँ पे वायरॉइड्स कैटेगरी में जितने की टर्म्स है वायरॉइड्स के बारे में मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, ऐसे आपको करना है। ये अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छे कोचिंग में, अगर जैसे एलएन, आकाश या कोई भी अच्छी कोचिंग में, तो वो लोग मे बी आपको माइंड मैप्स दें, लेकिन आप नहीं हैं और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मेरा एडवाइस है आपके लिए, कंपलसरी एडवाइस है कि प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे आप एनाटॉमी पता होगा, मॉर्फोलॉजी के बाद प्लांट एनाटॉमी चैप्टर है एक, एंड वो कितना लंबा चैप्टर है हम सबको पता है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने उसे A4 साइज पेपर में कंसाइज किया। ये फर्स्ट पेज, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ, बस ये फोर पेज में मैंने पूरा चैप्टर के एक एक वर्ड लिखे हुए हैं। आई कैन श्योर कोई बच्चा उसकी एनसीईआरटी पढ़े और ये मेरे नोट्स पढ़े वो इक्वल ही है। उसका मेन रीज़न मैं बताता हूँ कि क्योंकि मैंने अपनी एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ा है कि मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट, जैसे आप देख सकते हो स्प्रिंग वुड हुआ, ऑटम वुड हुआ, ये मैंने यहाँ पे कैसे लिख लिए, या अगर आप ट्रैकेट्स वाला पार्ट पढ़े हो कि वो कितना पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में ही दे दिया है, पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे ट्रैकेट्स, स्क्लेराइड्स, ये सब के जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने लिखे, क्योंकि अब पेपर में कीवर्ड्स ही आ रहे हैं। अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे और वो 3 आवर्स के प्रेशर में आप टिक कर पाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, कीवर्ड्स में कन्फ्यूज हो गए, तो आप अगेन +4 से डायरेक्ट -1 पे भी आप आ सकते हो। तो अगर आपका पोर्शन हो गया है, आपने अच्छे से चैप्टर कर लिया, आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले YouTube पे जाओ, बहुत लेक्चर्स हैं अच्छे अच्छे, या कोचिंग के अपने लेक्चर्स अटेंड करो, और पहले NCERT को समझो उसके बाद करना। देर इज़ वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन कि MCQs सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ कंटिन्यू बायो में NCERT बार बार पढ़ो वो अच्छा नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो सही है, लेकिन अगर अभी आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यूस वाले चालू नहीं हुए और आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आप बायो में और अपग्रेड करना चाहते हो, तो प्लीज़ कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आप NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन करो, उसके बाद अपने PYQs करो। ये दो टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है जिसमें NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, या आपकी मॉड्यूल्स में सिर्फ मॉड्यूल का ही कंटेंट है, तो प्लीज़ आप एक डॉक्टर अली नाम करके बुक है, बहुत फेमस बुक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सब नीट एस्पिरेंट वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक लाइन से
क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया और वो आपको सच में जज करेगा। आप अपने आप को खुद जज कर सकते हो कितनी बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है और कितने अच्छे से मैंने पढ़ी है। तो प्लीज़ डॉक्टर अली बुक ज़रूर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई सोर्स से आपको मिल रहा है देन इट्स फाइन। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी आपको पता चल जाएगा आपका लेवल कि अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब आपकी प्रिपरेशन एक सही लेवल पे जा रही है, और अगर नहीं हो रही इसका मतलब आपको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। Till then, please subscribe to my channel and smash the like button.